नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ फोल्डर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज खबरों पर नहीं, कुछ दूसरे विषयों पर हम आपसे बात करेंगे। दोस्तों, आजकल देखने में आ रहा है कि हर तीसरे या चौथे घर के अंदर पथरी की बीमारी प्रवेश कर चुकी है। कोई छोटा हो, बड़ा हो, हर उम्र का आदमी इससे प्रभावित हो रहा है। और इसमें एक खास तरह की पथरी होती है जिसको गॉल ब्लैडर स्टोन कहा जाता है, यानी पित्त की थैली की पथरी। ये समस्या किसी को भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है। इसके लिए कोई मतभेद नहीं है कि ये पुरुष को होगी, महिला को होगी, किसी उम्र के व्यक्ति को होगी, ऐसा कुछ भी दायरा नहीं है। किसी को भी हो सकती है और किसी भी उम्र में हो सकती है। दोस्तों, जब आप इस बीमारी से घिर जाते हैं तो आप इसके समाधान YouTube पर ढूंढने चले जाते हैं, और जैसे ही आप YouTube पर इस बीमारी के बारे में डालते हैं तो आपको 500 तरह की वीडियोस सामने आ जाती हैं, और जिनमें दावे किए गए होते हैं कि इस बीमारी को जड़ से ठीक किया जाएगा, केवल ये खाने भर से पित्त की थैली की पथरी बाहर निकल जाएगी। दोस्तों, ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। आप इस पर कतई यकीन ना करें, क्योंकि जिन लोगों ने वो YouTube चैनल बनाए हैं उनका मकसद है पैसा कमाना। और उन लोगों ने क्या किया है, अगर आप उनकी हकीकत देखेंगे, उन वीडियोज़ को बनाने वालों को जानेंगे, तो 12वीं क्लास पास आउट बच्चे या बेरोजगार युवक जिनका मकसद सिर्फ पैसे कमाना होता है, उन्हें आपकी ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं। उन्होंने कोई वीडियो देखी, आजकल आपको पता है कि मोबाइल से एडिट हो जाती है, मोबाइल से अपना वॉइस ओवर किया और मोबाइल से उसको एडिट करके अपलोड कर दिया। इस तरीके से उनको लगता है कि वो यूट्यूब से पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, पैसा कमा सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ ये कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए जान का खतरा बन जाता है जो उनकी वीडियो देखकर इन सारी चीज़ों को अमल में लाते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये मेरे साथ बीत चुका है। मेरी पत्नी को गॉल ब्लैडर स्टोन था और अचानक एक दिन दर्द उठा और हमने एक्सरे कराया तो पता लगा कि पित्त की थैली में पथरियाँ हैं। तो मैंने YouTube पर कुछ वीडियोस देखे और उसके बाद डॉक्टरों से कंसल्ट किया और दिल्ली के एक नामी हॉस्पिटल के अंदर मैंने अपनी बीवी का इलाज कराया। इलाज के दौरान मैंने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे आए थे जो कि हरियाणा, यूपी, पंजाब अस्पताल में एडमिट थे। मेरी उनसे बात हुई कि आप पंजाब से या हरियाणा से, यूपी से, आपको ऐसी स्थिति में दिल्ली क्यों आना पड़ा। तब उन लोगों ने मुझे बताया कि हम लोगों ने कुछ सोशल साइट्स पर वीडियोस देखे थे जिसमें दावा किया गया था कि पित्त की थैली की पथरी का इलाज किया जा सकता है, और उन लोगों ने उन इलाजों को अपनाया। और उसके चलते मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्थितियाँ कहाँ तक पहुँच गई। स्थितियाँ ये पहुँच गई कि किसी ने कोई दवाई खाई, किसी ने कुछ देसी इलाज किया, किसी ने कुछ किया, जैसा उनको मिला वैसा उन्होंने किया। कुछ की जो पथरी थी वो अपनी जगह से हिलकर दूसरी जगह आ गई, सांस की नली टाइप की कुछ नलियाँ थी उनमें अटक गई, किसी की हार्ट के पास आके अटक गई। डॉक्टरों ने यहाँ वायर डाली हुई है उनकी स्टोन्स को रोकने के लिए, मतलब उनकी जान पर बनाई, वो देसी इलाज उनकी जान पर बनाया। तो मेरा बारंबार आपसे यही अनुरोध है कि अगर किसी को भी पित्त की थैली में पथरी है तो आप किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और इसका ऑपरेट कराइए। ये YouTube या किसी रिक्शे के पीछे या किसी दीवार पर लिखा होता है कि पथरी का सर्तिया इलाज या एक बार दवाई खाने से पथरी निकल जाएगी, आप इन चक्करों में पड़कर अपने इस बहुमूल्य जीवन को नष्ट ना करें। मेरा बारंबार निवेदन है, क्योंकि इन चीज़ों को मैं अस्पताल में देख चुका हूँ और उन लोगों को कितना दर्द होता था उठते बैठते। इस देसी इलाज के चलते उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाली, लेकिन शुक्र रहा ऊपर वाले का कि वह समय रहते अस्पताल पहुंच गए और उनको इलाज मिला। तो मेरा निवेदन है कि आप अपने आप को किसी भी इस तरह के जोखिम में न डालें और YouTube पर मिल रही ऐसी वीडियो पर और उनके दावों पर कतई यकीन ना करें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे अगली जानकारी जो है आपको अपने आप मिल जाएगी और सबसे पहले आपके पास पहुँचेगी, क्योंकि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है। नमस्कार दोस्तों।